देश में फिर सामने आया एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला। बिहार के जहानाबाद में हो रही थी बच्ची से छेड़छाड़, मगर कोई नहीं आया बचाने। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में आपका बेहद स्वागत है। हाल ही में एक नाबालिग बच्चे से संबंधित ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। जब बात कठुआ उन्नाव रेप की आती है तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं और अपना गुस्सा जताते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार के जहानाबाद में कुछ ऐसा हुआ है जो आपका दिल दहला देगा। ये वीडियो एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का वीडियो है, जिसमें 5-6 लड़के एक लड़की को घेर कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। लड़की के लाख चिल्लाने के बाद भी लड़के उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आकर मदद कोई नहीं कर रहा। लड़की उन मनचलों से छोड़ देने की गुहार लगा रही है और लाचार बेबस होकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में दिखने वाले 2 अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। सीनियर IPS ऑफिसर नैयर हसैन खान ने इसकी जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है, मगर 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। देश अभी कठुआ और उन्नाव रेप के दुखद मामले से उभर ही नहीं पाया था कि ऐसा मामला फिर सामने आ गया। इस वीडियो में आरोपी लड़की को गालियां दे रहे हैं और हंस रहे हैं। कुछ लड़के इस घटना का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस लाचार लड़की की मदद कोई नहीं कर रहा। वो किसी तरह से उन हमलावरों से जूझ रही है, बचने की कोशिश कर रही है। ये लड़के उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की खुद की इज्जत बचाने की। इंसानियत इंसान की आत्मा से उस हद तक खत्म हो चुकी है कि एक शख्स को वीडियो बनाना तो ध्यान में आ रहा है, मगर उस लड़की की इज्जत बचाना नहीं। वहाँ मौजूद लोगों में से तो उस लड़की की इज्जत बचाने कोई नहीं आया, मगर वो शख्स जिसने ये वीडियो बनाया है वो भी उस लड़की की इज्जत बचाने नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अधिकतर हमलावर भी नाबालिग हैं। इनमें से किसी एक के पास मोटरसाइकिल भी है, जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इससे पुलिस को सुराग मिले हैं। पुलिस ने बताया कि जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। ये मामला पॉस्को एक्ट में दर्ज किया गया है। पुलिस घर घर जाकर छानबीन कर रही है और बाकी हमलावरों की पहचान के लिए गाँव वालों और पड़ोसियों से बात कर रही है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक अध्यादेश को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने पर फांसी की सजा हो जाएगी। अब देखना ये है कि इस मामले के सभी आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं और हमारे देश का कानून उन्हें क्या सजा सुनाता है। पुलिस और कानून का काम होता है आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना, मगर क्या आसपास मौजूद अपराध होते देखने वाले लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? इसी सवाल के साथ आप मुझे दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।